कोरोना महामारी के चलते महीनों बंद रहने के बाद एक बार फिर स्कूलों में चहल पहल नजर आने लगी है। बता दें कि स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन करने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। वहीं राजस्थान में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी कर दी है। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखा गया। इसी सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी विद्यालयों में कम संख्या दिखी, लेकिन सभी परिसरों में आ रहे विद्यार्थियों में उत्साह देखा गया। इसके साथ ही प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारियों ने दर्जनों स्कूलों का निरीक्षण किया है। आज पहली बार स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। वापस से क्लासें वगैरह सब स्टार्ट होगी और पढ़ाई भी सब अच्छे से हो पाएगी। ये हमारे सारी क्लास समय पे लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है जी। कोरोना के टाइम भी हमारी ऑनलाइन क्लासें चालू थी और उसमें भी हम पढ़ाई कर रहे थे और अब स्कूल आके अब पढ़ाई एकदम सही हो जाएगी। बच्चे और अध्यापक आज बहुत ज़्यादा उत्साहित है प्रथम दिन, और मैक्सिमम टाइम जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपना इस क्लासों को लेने के लिए। और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो 50% बच्चे बुलाए गए हैं उसी का पालन करते हुए सभी बच्चे जो है वो क्लासों को अटेंड कर रहे हैं, और हम भी पूरा प्रयासरत है कि बच्चों को पूरा जो समय एक एक मिनट जो है उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रखी जा सके। इसके लिए हमने एक नया रोड मैप तैयार किया है कि हमने जो पीरियड्स का जो टाइम 40 मिनट का होता है उसे बढ़ाकर 1-1 घंटा कर दिया है। जो भी मेन पीरियड्स जितने भी हैं उन सबको 1-1 घंटे तक जो है वो एक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को जो है वो समझा रहा है। दोनों में ही बहुत उत्साह है। टीचर भी काफ़ी समय से अपने स्टूडेंट से नहीं मिल पाए, जो एक आपस में मिलने पर जो एजुकेशन का जो असर होता है वो नहीं था, लेकिन आज जब मिले हैं तो उनमें इतनी खुशी हो रही है। और सारे आज क्लास में ही है, कोई ना टीचर बाहर है, आप भी देख रहे होंगे, ना स्टूडेंट बाहर है। स्टूडेंट भी काफ़ी समय बाद है, उत्साह के साथ आए हैं। और जिनको हमने 50% के हिसाब से बुलाया है अल्टीनेट, तो वो बच्चे उनके पेरेंट्स भी फोन कर रहे कि मैडम जो भी हो हम सभी को बुला लो। वो सब आना चाहते हैं कि हम बाकी अपने आप देख लेंगे। अब बड़ी मुश्किल से उनको मना किया है।